तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो कल की क्रापलैंड वीडियो में कितने लोगों ने गाइस क्रापलैंड मैप बनाना सीखा? एंड बहुत सारे मैंने कमेंट वगैरह देखे, काफी सारे प्लेयर तो ऐसे थे जो सीख चुके हैं, काफी नए सीख पाए, एंड कुछ ऐसे भी है ना जिसके भाई मतलब बेसिक से कुछ भी नहीं आता। मैप्स को डिजाइन कैसे करते हैं एंड एंड तक उसे स्टार्ट कैसे करते हैं, डोंट वरी यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और मैं तुम्हें बता दूंगा पूरे शुरू से बेसिक से लेके एंड तक, ठीक है? तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बट हाँ कल के ना बहुत सारे मेरे पास ट्रिक्स है जो कि मैं कल नहीं बता पाया था। चलो ठीक है, आज तुम्हें दिखाता हूँ बहुत सारे और भी ट्रिक्स जो कि मस्त वाले हैं, देख लेना तुम। ओके, तो ये पिक तुमको कैसा लगता है? न्यू वाला जिसके ऊपर एक सोफा पड़ा हुआ है जिसमें हम बैठ सकते हैं टू स्टाइल के अंदर, एक तो ऊपर बैठता है एक नीचे बैठता है, बट मैं बताऊँ यहाँ पर चार तरीके से बैठ सकते हैं, दो और मैं बताता हूँ गाइस। अब देखो क्या करना है, दो तुम्हें बैठ लिए एंड तीसरे तरीके को बैठने के लिए ना इसके ऊपर जस्ट खड़े हो जाना है और जो सीट बटन था ना उसे एंड फायर बटन दोनों को सेम टाइम पे क्लिक करोगे ना तो कुछ ऐसे बैठोगे। भाई देख लो, पैर इसके छोपे के अंदर हो चुका है। चलो तो तीसरा तरीका था, चौथे तरीके के लिए सेम सीट एंड फायर करना है बट सोफे के ऊपर खड़े होने के बाद, एंड देन तुम उल्टे साइड पे बैठो ब्रो। अरे यार मतलब दो कम थे क्या? जो कि दो ये भी आ चुके हैं बैठने का स्टाइल, वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा ना मस्त फील दे रहा है। तो चाहो तो तुम ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, अपने फ्रेंड को बता भी सकते हो, भाई देख ले यहाँ पर हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो चलो यार इस चीज को तुम जरूर से ट्राई कर लेना। ओके नेक्स्ट, ये वाला एयरशिप देखो, जहाँ पे हम ऊपर पैराशूट से लैंड करने की कोशिश तो जरूर करते बट हो नहीं पाते, यहाँ पर आते नीचे गिर जाओगे। बट तुम्हें मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर लैंड करना है तुम्हें अपने जॉयस्टिक को ड्रैग पे सेट कर देना सेटिंग पाने का, उसके बाद इसके ऊपर जंप करना। जैसे जंप करते हो तो जॉयस्टिक आगे करने के बाद तुम रन करने पाओगे और कंट्रोल कर सकते हो। चलो ये तो मैंने बताया था, बट एक और चीज देखो यहाँ पर, अगर तुम जॉयस्टिक से रन करके कंट्रोल कर लेते हो ना उसके बाद इसके पीछे साइड से ना सीधा जंप करने की कोशिश करना, एंड देन अभी तुम लोग देखो यहाँ पर होता क्या है। भाई तुम लोग गिरोगे नहीं, पहले तो हम इजीली यहाँ से मतलब बिना कंट्रोल के पार गिर जा रहे थे, लेकिन अभी अगर तुम यहाँ से जंप करने की कोशिश करोगे ना ये पैराशूट ये ग्लाइडर क्या एयरशिप है ना ये तुम्हें नीचे जाने ही नहीं देगा, ये वापस घींच के भाई सीधा सीधा तुम्हें ऊपर ही डालेगा और बोलेगा भाई तू आगे से गिरना है गिर, बट पीछे से तुम गिर नहीं सकते। सो ट्राई करना, बहुत ही मस्त फील देता है ये भी। ओके अगर मैं तुम्हें बोलूं कि गाइस एक फ्री फायर में बहुत ही मस्त हेडल प्लेस है जहाँ तुम अपने सर्वाइव कर सकते हो तो ये वाला लॉन्च पैड। अब बोलोगे भाई क्या बात कर रहा है यार, ये हेडल प्लेस कैसे है? तो यहाँ पर तुम्हें यूज करना है जिपलाइन प्लस यूज दोनों को सेम टाइम पे, शायद तुम्हें ये पता होगा बट फिर से यूज कर लेना। और ये हिडन प्लेस इसलिए है ना क्योंकि जब तुम इसे यूज कर लेते हो एक बार कुछ इस तरह से तो ये जिपलाइन को भी यूज कर लेता है एंड लॉन्च पैड को दोनों एक्सेप्ट कर लेता है, एंड इसके बाद जब ऐसा होगा ना तो गेम को थोड़ा मिनिमाइज कर लेना, और मिनिमाइज करने के बाद कुछ होता है ऐसा है कि तुम्हारा कैरेक्टर पता नहीं कौन सा जिपलाइन यूज कर लेता है मतलब लॉन्च पैड जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, और इसका यूज करके हम जमीन के नीचे भी जा सकते हैं एंड ऊपर भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि तुम जब इस चीज को यूज करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर पूरी तरह से हो जाता है इनविजिबल, भाई तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुम्हारे फ्रेंड भी है ना वो भी तुम्हें देख नहीं पाएंगे, तुम पूरी तरह से हाइड हो चुके हो, बट हाँ तुम सबको देख सकते हो ऊपर आने के बाद में। तो ऊपर से बस बंदों को देखते रहो और बिंदास यार एक जगह पे खड़े रहो, सर्वाइव करते रहो, और इस चीज को जाओ तुम जहाँ पे वहां पे ट्राई कर सकते हो, कहीं पर भी जहाँ लगे ना कि जॉन थोड़ा सामने बनने वाला है उस जगह पे आकर ट्राई कर लेना या फिर पिक पे भी कर लेना। वैसे भी यार जिप लाइन बहुत सारे पड़े हुए हैं, और सच्ची बता रहा हूँ भाई अगर तुम्हारा जोन गाइस समझ में बीच में बन गया ना तो जोन के एंड तक ऐसे सर्वाइव करने वाले तुम्हें कोई किल भी नहीं कर पाएगा, और इससे बाहर आने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस ये जो कैंसिल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद गेम को एक बार मिनिमाइज कर देना फिर सब कुछ नॉर्मल। तो ट्राई करके एक बार देखना तो बहुत ज्यादा बेस्ट ट्रिक है ये वाला। हाँ एक दो बार ट्राई करने में थोड़ी मेहनत लगेगी बट ये हो जाएगा। ओके चलो एक मस्ताना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ तुमको, ये यूज करना बड़े फायदे वाले, दो तीन फायदे तो होंगे। देखो सबसे पहले ना एक नैरी कैरेक्टर को यूज करना है और उसके साथ ही एरिस कैरेक्टर को, यार नैरिस एरिस चलो ठीक है दोनों का कॉम्बिनेशन काफी बेस्ट है, इन दोनों को ना ऐड कर देना। अब देखो यहाँ पर होने क्या वाला है ना, तुम्हें नैरी का पटाव का एबिलिटी क्या करता है, ग्लोबल पे मारोगे तुम्हें हील करेगा है ना, बट वो छोड़ो यहाँ पर तुम लोग देखो होने क्या वाला है। तो जैसे दो तीन ग्लो लगा लोगे ना और इसके ऊपर फायर करोगे तो ये हील तो तुम्हें करेगा ही, वो अलग ही बात है, बट अगर देखोगे तो इन सभी ग्लोबल को ना ऊपर एक पांडा बन चुका है। अबे कौन सा पांडा ये? हाँ थोड़ी पांडा वाले दे रहा है बट ये कोई टेडी बियर या फिर जो भी बोलो, भाई क्या ही मस्त दिख रहे हैं, तुम्हारे जो भी ग्लोबल है ना उसके ऊपर ये देखने को मिलेगा चाहे तुम कितने भी ग्लोबल लगा दो, और ये सच में काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है। चलो ठीक है ये पांडा देख के हम क्या करेंगे, इसके और मस्त वाले फायदे लेने आए ना। तो देखो हम कभी होता ही है ना कि हम ग्लोबल से अपने आप को कवर कर लेते हैं और सामने बंदे हमें फोड़ के मारने लगते हैं, तो उसी टाइम के लिए यूज किया है ना हमने,
आयरिस को यूज करना है और बस ग्लूवल से पीछे ही भाई धड़ाधड़ से फायर करने लगना है। ये आयरिस कैरेक्टर तुम्हारे ग्लूवल के आर पार मारने मदद करता है, नारी तुम्हें फूटने नहीं देगा तुम्हारे ग्लूवल को, और जो आयरिस कैरेक्टर था वो ग्लूवल के आर पार भी पीट देता है। भाई क्या ही बोलूं, जबरदस्त है। तो गेम पे एक न्यू मोड आया हुआ है रैम्पेज का, शायद तुमने इसे प्ले किया होगा, बट नहीं किया होगे तो ट्राई कर लेना क्योंकि थोड़े समय ओल्ड वाली फील तो जरूर से देगा। इसके अंदर ना हम ग्लूवल को बाहर ड्रॉप कर सकते हैं जो कि अभी इम्पॉसिबल है। हम किसी क्लास वार्ड रैंक जो भी खेले ना उसके अंदर ग्लूवल बाहर ड्रॉप होता ही नहीं है। अभी ड्रॉप तो छोड़ो, मिलता भी नहीं कहीं से, लेकिन इसके अंदर ये मिलता है और इसके साथ ना कुछ पावर्स मिलेंगे। तुम्हें मिलेगा ये वाला पावर ना, ऑप्शन ग्लूवल जनरेट, तो इसे ना ले लेना। और इसे होने क्या वाला है ना, देखो हमारे पास अभी एक ग्लूवल थे, हमने इसे यहाँ पे लगा दिया और इस ग्लूवल को फोड़ देना है। फोड़ने के बाद देखोगे ना तो हमारे पास हो चुके हैं दो ग्लूवल, एक तो पहले वाला था एंड दूसरा हमें एक और मिल चुका है। अब इसी को हम दो लगाते हैं एंड दोनों को फिर से हमें ब्लास्ट करके मतलब किस तरह से फोड़ देना है। एंड फूटने के बाद इस बार देखोगे तो भाई पहला फूटा दो हो चुका है एंड दूसरा फूटने के बाद ये चार हो चुके हैं। यार हमारा ग्लूवल तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है और ऐसा ही यार बहुत देर तक तुम करते रहना तो भाई वो जगह भी दूर नहीं कि तुम्हारे बैग में ग्लूवल अटने भी नहीं वाला। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें गाइस एक चीज नोटिस किया गया हमारे गेम से, जो हम नॉर्मली प्ले करते रैंक में उसके अंदर डेंजर जोन रिमूव कर दिया गया है। और यार मैं तो अभी इस चीज को देख रहा हूं, तो जाके नोटिस कर रहा हूं, भाई डेंजर जोन इसके अंदर आ रहा है, बट हमारे गेम्स के अंदर जो खेलते हैं वहां पे डेंजर जोन का कोई नाम निशान नहीं है। और ये देखो मेरे पास कितने ग्लूवल हो गए भाई, 25 ग्लूवल रखा हूं मैं अभी भी। चलो ये सब ठीक है, बट तुम्हारे लिए एक खुशखबरी गाइस एक और दिखाता हूँ। ये देखो अब गाइस अपडेट के बाद हमारे गेम से जो डैमेज का इंडिकेटर है वो चेंज हो चुका है, येलो एंड व्हाइट देखने को मिल रहा है, जिससे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। लेकिन डोंट वरी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है ना, ये जो डायमंड था ना व्हाइट एंड येलो ये चेंज होने वाला है। तो करीना वाले की तरफ से चार फोटो आ चुका है। हाँ वैसे तो मैं नहीं बोल सकता कि वो रेड वाला ही आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला तो गाइस व्हाइट है, दूसरा येलो ऑरेंज, इस तरह से। तो करीना वाले इस चीज को चेंज कर रहे हैं जहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल रहा है, चारों में से कोई एक आ सकता है, बट मैं तो बोलूंगा वो चार नंबर वाला काफी बेस्ट है। अब देखो ये नहीं रेड नहीं है, एक ऑरेंज कलर है, हाँ डार्क ऑरेंज भी, क्योंकि रेड को तो ला नहीं सकते ना, इसलिए भाई उन लोगों ने रेड की जगह ऑरेंज कर दिया डार्क, तो हमें फील तो कुछ वैसा ही देगा, तो इसमें से ना कोई एक हमें देखने को मिल जाएगा। और भाई करीना वाले ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी कर दिया जहाँ पे गाइस रेड डैमेज के ऊपर ओपिनियन पूछ रहे हैं कि फीडबैक ये कैसा है क्या है, तो हमें तो यार वो रेड वाला ही पसंद था, बट फिर भी रेड नहीं आ सकता, इसलिए भाई वो डार्क ऑरेंज तो काफी बेस्ट है, मुझे चार नंबर वाला काफी बेस्ट लगा। तो ये चीज ना बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा एक या दो सप्ताह के अंदर, और इसके लिए कोई अपडेट वगैरह करने की जरूरत नहीं, छोटा सा हमारे गेम में 1-2 MB का अपडेट आएगा और ये सीधा नॉर्मल हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो फाइनली एक और छोटा सा ट्रिक देख लो। तो ये हमारे गेम के विंडो जहाँ से हम जंप करते हैं कुछ इस तरह से, हमारे पैर ऊपर जाते हैं, जंप करते हैं नॉर्मल जैसे जंप करते हैं, है ना। चलो गाइस तुम्हें एक हैकर वाली फील देता हूँ, तुम इस चीज को ना बिना जंप किए पार कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना है ना, तुम्हें इस जगह पे खड़े हो जाना है और जो तुम्हारा इनहेलर है ना उसे सबसे पहले मेडिबेडी सब फेंक देना गाइस, और इनहेलर को रख लेना। अब इनहेलर को ना और जंप को दोनों को ना सेम टाइम पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद देखोगे तो भाई ये बंदा जंप नहीं कर रहा है, सीधा सीधा क्रॉस कर दे रहा है अपने वॉल को। अबे ये तुम्हारे पैरों में दर्द है क्या भाई, जंप क्यों नहीं कर रहा है। चलो ठीक है यार अभी मत सह, तो तुम एक बार तो ट्राई कर लेना, वैसे ज्यादा काम तो नहीं आने वाला बट थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट तो चलती है ना, तो गाइस जरूर से ट्राई कर लेना, फ्रेंड के साथ में चैलेंज वैलेंज कर सकते हो। बाकी चलो यार ठीक है, इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। मिलते हैं यार इसकी नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए